पहले आप ये वीडियो देख लो। नेपाल क्रिकेट बोर्ड, हेलो भाई, नेपाल क्रिकेट बोर्ड से बोल रहे हो? भाई भाई मैच खेलोगे यार? हाँ भाई भाई, तीन मैच खेल लो यार। इन लोगों ने नेपाल क्रिकेट टीम को और नेपाली खिलाड़ियों को क्या समझ रखा है, आप लोगों से मैं बड़ा सवाल करना चाहूंगा। मैच खेलो कह करके क्यों सामाजिक संजाल पर अभी नेपाल क्रिकेट टीम को ट्रोल कर रहा है? जहां भी अभी आप लोग देखिएगा, अभी नेपाल क्रिकेट टीम को ट्रोल कर रहा है कि नेपाल छोटे मोटे टीम के साथ खेल रहा है। नेपाल क्रिकेट टीम को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? नेपाल क्रिकेट टीम ने विंडवार्ड के साथ T20 सीरीज खेल लिया, इसलिए या क्रिकेट के दुनिया में भारतीय क्रिकेट टीम को बाहुबली समझ रखा है लोगों ने? क्या वजह है जिसके कारण से नेपाल क्रिकेट टीम को अभी ट्रोल कर रहा है सामाजिक संजाल पर? मगर मैं आप लोगों को इतना जरूर बताना चाहूंगा, भारतीय क्रिकेट टीम का तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज का कप्तान रह चुका भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित शर्मा से ज्यादा तेज और लय में और फॉर्म में है नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित पौडेल। और इसको साबित करने के लिए दोनों देशों का कप्तान ने पिछले 5 मैच में कितने रन बनाए हुए है, ये आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे कि पिछले 5 मैच में 68 रन, 19 रन, 4 रन, 11 रन, 4 रन करके जम्मा 106 रन बनाया हुआ है भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित शर्मा ने। इसी तरह से नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित पौडेल ने कितना रन बनाया हुआ है पिछले 5 मैच में, आप लोगों को हम विस्तार से समझाएंगे, आप इसी तरह बने रहिए। 74 रन, 3 रन, 18 रन, 83 रन और 102 रन करके जम्मा 240 रन बना चुके हैं नेपाल की क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित पौडेल ने। और इसी से पता चलता है कि किस तरह से कितना फॉर्म में है नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान और भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान के बीच बात करें तो दोनों में कौन ज्यादा लय में और कौन ज्यादा फॉर्म में है, जो इसी से पता चलता है। आप लोग को बता दें कि पिछले 5 मैच में रोहित शर्मा ने केवल 106 रन बनाया है, तो वहीं पर नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित पौडेल ने पिछले 5 मैच में 240 रन चढ़ के अपना लय कायम रख करके अभी भी रन बनाने में पीछे नहीं हुए हैं। नेपाल क्रिकेट टीम को और नेपाली खिलाड़ियों को ट्रोल करने वाले लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। IPL में जम्मा भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित शर्मा ने जम्मा 14 मैच खेले थे, आप लोगों को जानकारी हम देंगे और बताएंगे। और आप लोगों को भी मालूम है कि जम्मा उन्होंने 14 मैच खेले हैं और 14 मैच खेलते हुए भी भारतीय क्रिकेट का कप्तान रोहित शर्मा ने कितना रन बनाया, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो आप लोगों को बता दें कि IPL में जम्मा मैच खेलकर रोहित शर्मा ने केवल 417 रन बनाए हुए हैं, ये हुआ 5 खेल का तुलना। और ये तुलना सुन करके आप लोग ये कहेंगे कि भाई केवल 5 मैच को तुलना करके नेपाल क्रिकेट टीम के कप्तान को आप बड़े बना रहे हो, उसका बड़ाई कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो। भाई ऐसा नहीं, आप लोग को ये बता देंगे कि सिर्फ 5 नहीं, जम्मा IPL में मुंबई इंडियंस के तरफ से रोहित शर्मा ने कितने मैच खेले हैं, 14 मैच खेले, आप लोगों को जानकारी देने चाहेंगे। और 14 मैच में रोहित शर्मा ने कितना रन बनाया है जम्मा 14 मैच खेल करके रोहित शर्मा ने 417 रन बनाए हुए हैं। तो वहीं पर नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित पौडेल ने केवल 9 मैच खेल करके 433 रन बना चुके हैं और रोहित शर्मा से ज्यादा रन बना चुके हैं। तो आप लोग यहीं पर भी तुलना कर सकते हो कि रोहित शर्मा ने 14 मैच खेल करके सिर्फ 417 रन बनाए हुए हैं, तो वहीं पर नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित पौडेल ने जम्मा 9 मैच, सिर्फ 9 मैच खेल करके 433 रन बना करके उनसे आगे है। तो आप अभी भी समझ सकते हो कि नेपाल क्रिकेट टीम फॉर्म में है और नेपाल क्रिकेट टीम का खिलाड़ी फॉर्म में है। ये तो सिर्फ एक खिलाड़ी का तुलना हुआ, ऐसा कई नेपाल का खिलाड़ी है जो नेपाल क्रिकेट टीम का नाम अगाड़ी किया है और भारतीय बॉलर और बैट्समैन का ही नहीं, दुनिया में बहुत ऐसा बैट्समैन को भी रिकॉर्ड तोड़ के चकनाचूर किया हुआ है। अगर आप लोग इसी तरह से जो ट्रोल करते रहोगे तो जैसा 2023 के विश्व कप में जो आप लोग को रोना पड़ा था ना, वैसा ही T20 विश्व कप वर्ल्ड कप में भी आप लोग को रोना पड़ेगा। क्रिकेट के दुनिया में और क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी को कमजोर नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि बड़े से बड़े छोटे टीम भी बड़े बड़े टीमों को उलट फेर करके दिखा दिया है और पलटी मार दिया है, आप लोग के सामने की बात है। और आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ सकता है कि आप लोग बोलेंगे कि वो तो IPL में बनाया गया रन है और नेपाल क्रिकेट टीम में तो दूसरे देश के साथ बनाया गया है, वहां पर कमजोर खिलाड़ी थे, यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी थे, तो ऐसा नहीं होता यार।
कमजोर और मजबूत नहीं कहा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी बैट बॉल से रन बनाया और नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान भी बैट बॉल से रन बनाया गया, तो इसलिए किसी को कमजोर मत समझिए आप लोग। और आप लोग को ये भी बताना चाहूंगा कि जिस लय में नेपाल क्रिकेट टीम है और नेपाल भी खिलाड़ी है, इससे क्या लगता है T20 विश्व कप 2024 में उलटफेर होगा? मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और नेपाल क्रिकेट टीम अपना अलग पहचान और अलग उल्टा फेर करके वापस नेपाल लौटेगा, क्योंकि जिस तरह से नेपाल क्रिकेट टीम का कप्तान रोहित पौडेल फॉर्म में है, दीपेंद्र सिंह एरी फॉर्म में है, कुशल मल फॉर्म में है और संदीप लामिछाने को टीम में वापसी होने को तय हो गया है, तो इससे यही लग रहा है कि नेपाल क्रिकेट टीम T20 विश्व कप वर्ल्ड कप में कुछ तो कमाल करेगा। और आप लोग को क्या लग रहा है, नेपाल क्रिकेट टीम कुछ ज्यादा उलट फेर करेगा इस बार? तो प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट, शेयर और लाइक सब्सक्राइब फॉलो करके हम लोग को साथ दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।